भगवान की सबसे प्रसिद्ध लीला कौन सी हुई? माखन चोरी। कहते हैं प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब भगवान यहां बैठे बैठे सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला बड़ी ही अच्छी लीला है, रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन इस लीला का आनंद यशोदा मैया कभी नहीं ले पाएगी। तो ऐसा क्या करूं कि इस लीला के दर्शन सबसे पहले यशोदा मैया ही करे? भगवान सोचते हैं सोचते हैं, फिर भगवान ने कहा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे ही करते। देखिए ऐसे यहां जो भी बच्चे बैठे हैं सबके लिए, चोरी कभी नहीं करना, चोरी करना बहुत गंदी बात होती है, भगवान जी सजा देते हैं, पाप देते हैं, इसलिए चोरी कभी नहीं करना। लेकिन चोरी करना आसान नहीं है। एक अच्छा चोर मतलब कोई बहुत समझदार होता है, वही होता है। क्योंकि अच्छा चोर माने जब पकड़ा ना जाए, पकड़ा गया फिर क्या चोर। तो भगवान कहे कि अगर मैं चोरी करने जाऊं और मैं पकड़ा जाऊं तो लोग तो यही कहेंगे ना कि चोरी जब करनी आती ही नहीं तो करी क्यों। तो भगवान कहते हैं घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं। तो भगवान पहले अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। तो भगवान माखन का एक कमरा होता था उस वक्त, क्योंकि माखन का काम होता था, तो माखन के कमरे में जाते हैं, एक हांडी अपने पास खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, यानी माखन का गोला, नवनीत निकालते हैं। भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ है, यानी दर्पण, जिसमें हम खुद को देखते हैं। अच्छा एक बात, भगवान ने आज तक दर्पण कभी देखा ही नहीं, उनको नहीं पता कि कांच क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। और जिसने दर्पण नहीं देखा उसने शायद खुद को ही नहीं देखा। आजकल फोन इत्यादि हो गए, पहले थोड़ी थे कि फोटो खींच ले और पता चल जाए। तो जिसने दर्पण नहीं देखा उसने खुद को ही नहीं देखा। तो यहां पर भगवान ने दर्पण कभी नहीं देखा। तो जैसे ही वो दर्पण सामने देखकर भगवान ने अपना हाथ तुरंत पीछे कर दिया। भगवान कहते अच्छा ये माता बड़ी होशियार है, माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रही है। मैया से कह गो कि मैया कन्हैया चोरी करे। भगवान कहते देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगो तो ये भी खवाऊंगो। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते हैं कि ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया, भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। अब भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए मैं तेरी चोरी नहीं कहूं। यशोदा मैया पीछे से सब देख रही है कैसे कन्हैया कांच के सामने खड़े होके खुद से बातें कर रहे हैं। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया, भगवान डर गए एकदम चुप। यशोदा मैया कमरे में आती है, अरे कन्हैया यहां क्या कर रहा है? भगवान कहते मैया मोहे माखन को लोभ नाए, पर मैंने सोचा मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर चुरा कर ले जाए, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। मैया कहती अच्छा फिर क्या हुआ? अब देखिए भगवान
डर रहे हैं, उनके मन में चोर है ना, उनको लग रहा है क्या पता ये विश्वास करने लायक लड़का है कि नहीं है, कहीं ये मैया को बता ना दे कि मैंने क्या किया। तो भगवान ने सोचा ये कुछ बताए उससे पहले मैं ही बोलता हूं। तो भगवान कहते हैं मैया मैंने आखिर देखा एक कालो करूटो छोरो माखन चुरा रो है। जैसा मैंने कहा भगवान ने खुद को तो देखा नहीं था। मैया कहती अच्छा तो तूने उसे रोका नहीं। भगवान कहते मैया मैंने रोका, मैंने उससे बोला तू क्यों चोरी करे, तू मैया से माखन मांग ले। मैया कहती तो उसने क्या कहा। भगवान कहते मैया मैंने उसे इतना समझाया लेकिन मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकु आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा बताना वो छोरा कहाँ है। भगवान यशोदा मैया के हाथ पकड़ कर लाते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे यो रो कालो कर उठो छोरो। यशोदा मैया कहती कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। भगवान कहते अरे मैं कैसे। यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है। अब भगवान ने खुद को नहीं देखा था, यशोदा मैया को तो देखते ही है रोज। यशोदा मैया ने कहा देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर वहां चेहरा तो एक ही। तब यशोदा मैया उनको समझाती है कि ये दर्पण है, इसमें हम खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन इस समझाने के चक्कर में उनकी चोरी अनदेखी हो गई कि वो इस कमरे में क्या करने आए थे। अब यशोदा मैया पूरे ब्रज में जाकर अपने जो पड़ोस वाले हैं सबको बता रही है कि आज कन्हैया ने इतनी प्यारी लीला करी है।